शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं और कलेक्टर के बीच तहसीलदार को लेकर नोकझोंक हो गई। बता दें, पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने खनिया थाना तहसीलदार को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाकर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक भी अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाइश भी दी गई। केपी सिंह का उन पर आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा हाथ रहता है उनके ऊपर। केपी सिंह वहाँ के एक विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वहाँ एक दीपक शुक्ला करके ना एक तहसीलदार हैं, उनने खनिया थाने में उनकी तो इतनी हद हो गई है कि लोगों को जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिनने बीजेपी का काम किया ईमानदारी से, उनको सबको टारगेट बना के झूठे मुकदमे लगवाना, झूठी रेत भरवा के ट्रैक्टर में ट्रैक्टर गिफ्ट करवाना, झूठे बुला के नहीं इतना कर रहा है कि बुला के कमरे में किसानों को खुद टॉर्चर करता है। ये टॉर्चर करने का मेरी समझ में नहीं, अधिकार किसने दे दिया? तो मैं माननीय महोदय कलेक्टर महोदय साहब से मैं निवेदन करने आया हूँ कि इनके अधिकार चलाए, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और ट्रांसफ़र होने के बाद अभी भी उसको रिलीव नहीं किया जा रहा है, इतनी हद कर दी गई है। तो हम कलेक्टर महोदय साहब से आज निवेदन करने आए हैं, 2 घंटे का समय मांगा है, अगर 2 घंटे में उसको रिलीव नहीं किया, यहाँ से नहीं हटाया, तो मैं आज यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। प्रीतम जी, अभी आपने बताया कि मैं जब तक हड़ताल से नहीं उठूंगा चाहे सीएम क्यों ना आ जाए, ये क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, सीएम कहने के नहीं कहा था, ये आपने गलत सुना। मैंने ये कहा सारे जितने भी विभाग के अधिकारी हैं वो सारे यहाँ बुलवा लूंगा और सारे जितने जो मैंने काम दिए हैं ईमानदारी के अधिकारियों को वहाँ से हटाने के, जब तक वो नहीं हो जाएंगे जब तक मैं नहीं हटूंगा। उसमें एक मैटर तो कोऑपरेटिव बैंक का है कि जो ऋण माफ़ी की सूची बनी थी उसमें तमाम गलतियां हैं और लोगों ने ऋण लिया नहीं, उनके भी नाम आ रहे हैं अथवा बहुत बढ़ा करके नाम राशि सूची में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा मसला तहसीलदार खनिया थाना से संबंधित है कि गरीबों के जो पुराने मकानात जो कई सालों से बने हुए हैं उनको गलत तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ सरकारी जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण जहाँ हटाना चाहिए था वो नहीं हटा है, ये मसला है। इसके अलावा कई व्यक्तिगत भी आवेदन तो सर अभी क्या क्या कार्रवाई की, जैसे लोगों के विरुद्ध गलत कार्रवाई की गई, कार्रवाई तो अलग अलग किस्म के प्रकरणों में अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर कोऑपरेटिव वाला मसला है तो कोऑपरेटिव के अधिकारियों की टीम से जांच करानी पड़ेगी। जो इंक्रोचमेंट का मामला है गरीबों के मकानात तोड़ने की, उसमें सरकार के भी निर्देश हैं कि गरीबों के इस प्रकार से मकानात आबादी क्षेत्र से नहीं हटाए जाने हैं। तो उसमें बोला तहसीलदार साहब जो वहाँ पर है उनकी दबंगता ज़्यादा जा रही है वहाँ पर। हाँ, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि व्यक्तिगत भी लोगों ने बनाई है कि व्यक्तिगत भी उन्होंने कई के विरुद्ध कार्रवाई जो की है वो गलत है, ठीक है, वो व्यक्तिगत जो मैं आवेदन बोला था वही उसका आशय वही था। तो 3-4 अलग अलग किस्म की, इसके अलावा बिजली विभाग की भी कुछ शिकायतें हैं कि बिजली के जो केस बने वो गलत हैं, बिजली की जो मीटर रीडिंग आया है वो गलत आया है, तो अलग अलग किस्म के हैं। अलग अलग किस्म के प्रकरणों में अलग अलग किस्म की कार्रवाई होगी। कोऑपरेटिव वाले में कोऑपरेटिव से जानकारी लेनी होगी, रेवेन्यू वाले में ऑफकोर्स वो कोई सीनियर ऑफिसर जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है वो कार्रवाई कराएगा जाएगा। जी एस आर टाइम्स के लिए शिवपुरी से सुनील रजक की रिपोर्ट।